हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी के अनबॉक्स। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगर कोई नया टीवी परचेस करते हैं या फिर आप कोई सेकेंड हैंड टीवी भी लेते हैं या आप कोई स्टोर से टीवी जाके परचेस करते हैं, तो कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, आप जो चीज़ परचेस कर रहे हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। हाँ, ये टीवीज़ में जनरली लाइक जो आजकल देखा जा रहा है कि कंपनीज बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उनको ठीक से टेस्ट करके उनको मैन्युफैक्चर लाइक उनको शिफ्ट शिफ्ट नहीं किया जा रहा है फैक्ट्री से, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि हम, उनको प्रॉब्लम्स आती है बाद में। लाइक या तो हो सकता है कि आपने जैसी प्रोडक्ट खोला वहाँ पे आपको इमिजिएटली कोई डिफेक्ट दिख गया, या फिर कुछ टाइम यूज़ करने के बाद में आपको वो डिफेक्ट दिखता है। तो वो चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे आप स्पेशली एक टीवी को आप एक टेस्ट कर सकते हैं, और ये सेम केस अप्लाई करेगा मॉनिटर के ऊपर भी। तो अगर आप मॉनिटर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने अगर टीवी लिया है, अगर आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड टीवी है, तो आप एक काम करो, उस टीवी को HDMI के थ्रू अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने लैपटॉप से यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। ओके, और अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो आप स्मार्ट टीवी में अपना ब्राउज़र के थ्रू ये एक टेस्ट कर सकते हो। तो गूगल पे आप लिख दीजिए कि मॉनिटर टेस्ट ऑनलाइन या फिर टीवी टेस्ट ऑनलाइन, और सबसे बेस्ट टेस्ट तो वैसे ये आइज़ो का ही है। तो आइज़ो एक बहुत जानी मानी कंपनी है जो कि टीवीज़ बनाती है, टीवीज़ नहीं एक्चुअली मॉनिटर्स बनाती हो। तो उसका ये टेस्ट एक आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने टीवी पे। तो आप इस टेस्ट को खोलेंगे तो आपको ये बता देगा कि क्या क्या चीज़ें आप टेस्ट करना चाहते हो, और आप इनमें से चेक या फिर अनचेक कर सकते हो कि अगर आपको कोई टेस्ट नहीं करना है। तो नॉर्मली सारे टेस्ट कर लो एक बार में, तो कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपके टीवी में कोई डिफेक्ट है कि नहीं। तो आई गेस मेरी रिंग लाइट थोड़ी ज़्यादा शाइन कर रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, आई गेस अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से, और मैं इस टीवी पे फोकस मार देता हूँ। हाँ ओके ठीक है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो आई गेस टीवी ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। अब आएगा, अरे ये थोड़ा वो हो रहा है, ISO। अब आएगा, सही से दिख रहा होगा। यप। तो ये टेस्ट है जो कि आप अपने टीवी पे खोल सकते हो, और उसके लिए लैपटॉप पे कनेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आपको करना है स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करने पे आपको ये स्क्रीन दिखेगी, और इसमें आपको ये है पहले टेस्ट पैटर्न, और यहाँ पे सब कुछ बता रहा है कि कैसे कैसे पैटर्न जो एक टीवी शो कर सकता है। तो उसमें आपको कोई ख़राबी नहीं दिखनी चाहिए कि कोई टेस्ट ये पैटर्न है ये ठीक से दिख ना रहा हो, ये कुछ भी लाइक सारी लाइन्स जो आपको क्लियर दिखनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और जैसे R है तो R ढंग से दिखना चाहिए, G, B ये सब लिखा हुआ है, तो और सारे कलर्स इसमें ऑलमोस्ट दिखाने का ट्राई हो रहा है। ठीक है, फिर आप अपने लैपटॉप पे डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा नेक्स्ट डिफेक्टिव पिक्सल्स ऑन ब्लैक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर कोई पिक्सल जो है वो डिफेक्टिव होगा और वो ब्लैक ढंग से ना दिखा के वाइट शो करेगा तो यहाँ पे वो अलग से दिख जाएगा वाइट कलर में। इस टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पोर्शन है ये और ये वाला हाइड नहीं होता है, फुल स्क्रीन में खुलता है लेकिन ये वाला पोर्शन हाइड नहीं होता है। तो यहाँ का कोई अगर पिक्सल डेड होगा तो शायद पता ना चले। इसके अलावा भाई एक काम और कर सकते हैं, जब ये वाला खुला है तो आप अपने रूम की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको बैकलाइट ब्लीडिंग का पता चलेगा। कि जो आपको अगर ये पता ना हो तो मैं बता देता हूँ कि जो टीवी है इनके पीछे LEDs लगी होती हैं जो कि लाइट अप करती हैं, जिसकी वजह से टीवी हमको एक्चुअली में जो इमेज है वो जो फॉर्म हुई है वो शो कर पाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसका अपने का जो रूम है उसका लाइट सारा बंद कर देंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितनी बैकलाइट ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको बस ये सब देखना है कि कहीं कॉर्नर में या फिर कहीं पे एक्स्ट्रा बैकलाइट तो नहीं ब्लीड कर रही, लाइक कहीं पे ज़्यादा रोशनी आ रही है और एकदम कम हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा देखना चाहिए कि आपको शायद से आपको रिप्लेसमेंट के लिए रेज करना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला है, यहाँ पे कोई भी मेरे को नहीं दिख रहा है डिफेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो ये है पूरा वाइट वाला पिक्सल्स। तो अगर यहाँ पे कोई पिक्सल जो है वो डिफेक्टिव होगा तो यहाँ पे
हमको दिख जाएगा कि वो ब्लैक दिखा रहा है। ठीक है, ब्लैक के बाद में आएंगे हम लोग आर पे, यानी कि रेड पे। तो आपको पता होगा हमारे जो प्राइमरी कलर्स हैं वो हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट कर लूँ क्या आपको, मैं दिखा पता है। हाँ, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि मतलब तो हमारे जो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, वही सारे कलर्स एक पिक्सल में होते हैं। तो एक ही पिक्सल में रेड, ग्रीन और ब्लू रहेंगे और वो आपस में मिलके अलग अलग टाइप के कलर्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सारे चेक हो रहे हैं कि जो भी सारे पिक्सल्स हैं वो ठीक से रेड कलर शो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अगर आपको यहाँ पे एक भी कोई पिक्सल दिखता है जिसके अंदर रेड न शो हो के ब्लैक शो हो रहा है, तो आप समझ जाना कि उस पिक्सल का रेड वाला एलिमेंट ख़राब है। ठीक है, इसके बाद में आएंगे हम लोग ग्रीन पे। तो वही सेम चीज़, अगर कोई भी पिक्सल यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है तो मतलब उसका ग्रीन वाला पोर्शन ख़राब है। और फिर आ जाएंगे हम लोग ब्लू पे। तो ये तीन टेस्ट कर लेना, और आप जब टेस्ट कर रहे हो तो आप इस चीज़ को, ये जो है ये साइड में, ये वाला साइड में जो है इसको आप मिनिमाइज़ कर लेना, और आपको अगर पढ़ना हो तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, फिर ये है ग्रे में। तो यहाँ पे है एक्सेस द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इमेज यूजिंग वेरियस ग्रे स्केल्स। तो ये भी एक होता है टेस्ट की, जो आपका टीवी है वो ग्रे कैसे दिखाता है, कितना ग्रे दिखा पाता है अच्छे से। और फिर आ जाएगा कलर डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे आप इसको अगर आप इसको थोड़ा सा ये मूव करोगे तो आपको देखेगा कि इतना रेड करने पे ये कितना रेड हो रहा है, देख रहे हो ये। ओके, तो ये वाला टेस्ट हो जाने के बाद में हम आएंगे नेक्स्ट वाले पे, और ये है ग्रेडियंट। तो एक तरफ से पूरा ब्लैक है, फिर ये एकदम जाके पूरा यहाँ पे वाइट हो जा रहा है, तो उसका भी यहाँ पे एक टेस्ट दे रखा है। 10th टेस्ट है शार्पनेस का। तो बहुत सारा टेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि आपको एक कंफर्टेबल डिस्टेंस से आप इसको पूरा पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो एक एक लेटर को, तो वो ये देखने का एक टेस्ट होता है। फिर आ जाता है व्यूइंग एंगल पे। तो यहाँ पे ये 5 सर्कल्स दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जितने भी टीवीज आते हैं जनरली वो IPS पैनल होते हैं, तो IPS पैनल बेस्ट माना जाता है अपना व्यूइंग एंगल्स के लिए। तो आप यहाँ पे उसके एकदम सामने खड़े होके देख लीजिए, फिर एक बार एकदम साइड में जाके और एक बार दूसरी साइड से जाके उसको एकदम एंगल पे देखो, तो आपको ये दिखने चाहिए अच्छे से। और फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो ये है गैमा। आई गेस इसकी ज़रूरत है नहीं, ये मोस्टली मॉनिटर्स के लिए ज़्यादा काम में आता है। और ये रिस्पॉन्स टाइम वाला भी आप छोड़ सकते हो, टीवीज़ के लिए तो कोई काम का है नहीं रिस्पॉन्स टाइम। मेन रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादातर मायने रखता है मॉनिटर्स के अंदर। और फाइनली ये वाला टेस्ट हो जाने के बाद में ये वाला ISO का मॉनिटर टेस्ट एंड हो जाता है। तो लेट मी तो ये था टेस्ट जो कि आप अपने टीवी के साथ में कर सकते हो इसकी पिक्चर क्वालिटी चेक करने के लिए। और नेक्स्ट टेस्ट आप ऑडियो का कर सकते हो। तो ऑडियो के लिए तो आप नॉर्मली बस प्ले कर दो, और बस ये आपको ये देखना है कि जो आवाज़ है वो फटनी नहीं चाहिए ज़्यादा, जो लाइक आपको नॉर्मल वॉल्यूम पूरा मिलना चाहिए। ऑडियो वाला टेस्ट तो बहुत ईजी है करना, मेन है कि वीडियो टेस्ट इसका जो पैनल का टेस्ट करने के लिए मेन काम में आता है ये टाइप का टेस्ट। तो आप एकदम क्लोजली जाके मॉनिटर कर सकते हो, आपको एक एक पिक्सल एकदम अच्छे से देखना है कि मतलब कोई भी पिक्सल ख़राब ना हो। तो अगर कोई भी पिक्सल अगर ख़राब होता है तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो एक पिक्सल ख़राब होने की वजह से हो सकता है कि उसके आसपास के पिक्सल भी ख़राब होना चालू हो जाए। ठीक है, बाकी LED और LCD मॉनिटर्स में आपको यही टेस्ट करना है ज़्यादातर। तो आई गेस इतना आपको टेस्ट करना काफ़ी है। हाँ, और ज़्यादा उसके ऊपर जाने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आप फिर नॉर्मल वीडियो टेस्ट कोई भी कर सकते हो, नॉर्मल बस अपने वीडियो चला के देखो, तो उससे आपका पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही। और जब आपने उसको ले लिया है इस टीवी को, तो फिर आप उसको पहले दूसरे दिन एकदम पूरा अच्छे से चलाओ, कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। टीवी ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलते चलते में बंद हो जा रहा है वो किसी वजह से। और उसका रिमोट चेक कर लेना, रिमोट में सब कुछ चलना चाहिए, क्योंकि रिमोट अगर ख़राब हो जाता है तो वो रिप्लेस कराना पड़ता है, वरना उसकी थोड़ी कम वारंटी रहती है रिमोट की कंपेयर टू टीवी। बस इतना टेस्ट करना काफ़ी है एक टीवी को।
हाँ ज़्यादा उसको आपको टेस्ट टेस्ट वो नहीं होता है कि आपने बस उसमें वीडियो प्ले करके देख दिया, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, हाँ सही दिख रहा है, तो आपने उसको टेस्ट मान लिया कि सक्सेसफुल है। ये एकदम छोटे छोटे पिक्सल्स रहते हैं, ये नॉर्मल एक दूर से डिस्टेंस पे बैठ के नहीं पता चलेंगे, लेकिन आप जब इसको पास में जाके देखोगे और मॉनिटर टेस्ट करना चालू करोगे, हर एक कलर देखोगे, वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, उन सबको अगर पूरा कंफर्म करो कि हाँ सारे एकदम परफेक्ट पिक्सल्स दिख रहे हैं, तभी जाके आपको वो टीवी को रखना है, वरना आप उसको रिप्लेस कर दो, रिफंड कर लो, जो भी करना है करो, ठीक है। और अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो फिर आपको स्मार्ट टीवी के बारे में बताइए कि कैसे उसका टेस्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे आप फ़ोन टेस्ट करोगे कि सारी चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही, वही सब एक बार हर चीज़ को टेस्ट करके देख लो, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और स्मार्ट टीवी में वैसे उसका जो इंटरफेस है उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस टीवी का रिव्यू देखना है और एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मैंने इसका बनाया है 1.5 साल बाद इसको यूज़ करने के, तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं कि आपको ये टीवी लेना है कि नहीं लेना। अब इस टाइम पर मैं बोलूँगा कि फुल एच डी लेने का उतना फ़ायदा है नहीं, जबकि 4K टीवी बहुत सस्ते हो गए हैं, तो आप 4K टीवीज़ को भी ले सकते हैं, और डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे कि अगर आप 43 इंच तक ले रहे हो तो फुल एच डी एनफ है, आप 43 के ऊपर जाते हो, 49 इंचेस, 55 इंचेस, तब आपको 4K वाला टीवी कंसिडर करना चाहिए, फुल एच डी वाला उस वाले साइज़ तक आएगा आता भी नहीं है फुल एच डी, फिर 4K स्टार्ट हो जाते हैं। ओके चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू।